बिलासपुर के थाना सरकंडा अंतर्गत इमली भाटा में रहने वालों ने एसपी के पास आवेदन दिया है। इसमें उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि रात 11 बजे गणेश विसर्जन के नाम पर मोहल्ले में आतंक मचाने वाले नामी गुंडा, जिनका नाम रॉकी, बट्टी यादव, बाबू अंडा, बड़का, प्रताप सिंह राणा और गौतम सारथी है, ये लोग तलवार, लाठी और हॉकी से लैस होकर इमली भाटा पहुंचे, जहां पर अभिषेक सारथी, पिंटू सारथी और बल्लू तिवारी सारथी की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट करने वाले आरोपी पेशे से नशेड़ी हैं और दिन भर नशा करते हैं, जिसकी वजह से मोहल्ले में आतंक मचा रखे हैं। वहीं इनके हमले से गंभीर हालत में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिससे घायलों की स्थिति ठीक नहीं है। इस घटना की शिकायत संबंधित सरकंडा थाना में की गई है, मगर थाना सरकंडा में आरोपियों के खिलाफ मामूली धारा लगाया है, जबकि सभी आरोपियों के विरुद्ध हाफ मर्डर की धारा लगानी थी, ताकि आरोपियों की जमानत न्यायालय से ना मिल सके और इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। इस अवसर पर पीड़ितों ने विधायक से भी मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई है। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट। मेरा नाम कौशल्या सारथी है। हमारे साथ घटना हुआ इमली भाटा में, जब हम लोग गणेश ठंडा करने जा रहे थे तो कुछ लड़के लोग आके हमारे बच्चे लोगों को मारपीट किए हैं। उन लड़के लोगों का नाम है गौतम सारथी और बट्टी सारथी और बट्टी यादव और एक का गौतम सारथी है और एक का लक्की है, रॉकी। किस कारण से मारपीट हुआ, क्या पहले कुछ नहीं? हमारे घर तरफ से कोई गलती नहीं हुआ, बस उन लोग आए, बस मारपीट कर दिए, चालू कर दिए। अभी कहाँ हैं आप, शिकायत करने? हम लोग आए हैं यहाँ पुलिस एफसी एफसी ऑफिस में आए हम लोग। क्या चाहते हैं आप भाई? हमको इंसाफ चाहिए, है ना? थाने में शिकायत किए तो क्या हुआ है? थाने में शिकायत किए हैं अभी, वहाँ से कुछ माने आया नहीं है, डग्गा उग्गा कुछ नहीं आया। हमारी इमली भाटा में कार्रवाई करने के लिए कोई नहीं आया है, तो इसीलिए हम लोग एफसी ऑफिस में आए हैं। और अभी दो बच्चे लोग भर्ती हैं हॉस्पिटल में, अभिषेक सारथी और तिवारी सारथी। क्या आश्वासन मिला एसपी ऑफिस आने से, क्या बोले? अब अंदर तो कुछ हमारे साथ में आई थी जो महिला हो गए थे। ठीक, नाम बता दो। मेरा नाम कौशल्या सारथी है। ठीक, किसी काम से मिलने आया था, कुछ मामलों को लेकर चर्चा करनी थी उनसे। चूँकि एसपी ऑफिस में बहुत सारे यहाँ पर शिकायतकर्ता आए हुए थे, तो मैंने पूछा उनसे कहाँ कहाँ थे, तो कुछ तखतपुर के थे, कुछ इधर के थे, बंधुआ पारा इमली भाटा के। तो कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि ऐसा एरिया है थोड़े से, कुछ अवैध कॉलोनियां अगर जहां बन गई हैं, उन कॉलोनियों में क्या है, प्रॉपरली जो है वो सिस्टम नहीं बने हैं अभी, स्ट्रीट लाइट वगैरह। तो उसके कारण क्या है कि अंधेरे का फ़ायदा उठा के अगर किसी असामाजिक तत्वों ने अगर कोई गलती गड़बड़ की है, उसको लेकर एसपी मैडम से मैंने बोल दिया है कि उस पर तत्काल कार्रवाई करें। और एक मामला गुरु अमेरिका था कोई सा, तो उसको लेकर भी मैंने एसपी मैडम को मार्क किया है, निवेदन किया, उस पर भी न्याय किया जाएगा। बाकी कुछ पति पत्नी के झगड़े वाले मामले थे, तो उसको भी मैंने देखा है। बिलासपुर का लॉ एंड ऑर्डर जो है ना बिगड़े और कानून व्यवस्था को कायम रखा जाए और अपराधियों को जो है किसी प्रकार का उनका मनोबल ना बढ़े, इसको लेकर सरकार भी और पुलिस प्रशासन भी हर संभव प्रयास कर रहा है। इसमें नागरिकों से भी अपील है मेरी कि वो इसको और बेहतर बनाने में मदद भी करे आगे आकर। ठंडा करने के लिए निकले थे आप लोग का गणेश लेके और डीजे लगाए थे और बच्चे लोग अच्छे खासे हंसते खालते जा रहे थे, कोई मतलब बच्चे लोग किसी तरीके से नशे नहीं किए हुए थे जास्ती, और बहुत अच्छे से जा रहे थे। और जैसे ही हम लोग का गणेश मतलब अच्छे से निकल गया, जैसे ही गेट के पास आया वहाँ पर एक पंडाल था, उस पंडाल के पास बच्चे लोग नाच गा रहे थे, वहाँ पर अंधेरा था, मैं कुछ देख भी नहीं पाई हूँ। उसके बाद ना मैं देखी हूँ कि बच्चे लोग वहाँ पर नाच गा रहे थे, उतने में ना एक मिंटू सारथी जो थे उनको इस तरीके से मारा गया था कि वो बेचारा ज़मीन में गिर गया था। तो मैं गणेश के पास गणेश को छोड़ के ऊपर से कूदी हूँ, ट्रैक्टर से कूद के सीधा आई हूँ मिंटू सारथी के पास और फिर उनको उठाई हूँ। जैसे ही उनको उठाने की तो ऐसे पीछे से कुछ ने बाछड़ा चलाया था, वो बाछड़ा मेरे पैर से निकल के आके मिंटू के पीठ में पड़ा भड़ा पड़। उसके बाद फिर मैं देखी कि उसको जास्ती मार रहे हैं लोग करके, फिर मैं उस लड़के लोग की तरफ मुंह घुमाई हूँ और इस तरीके से हाथ की हूँ, एक जन का बाछड़ा मेरे हाथ पर आया है, दूसरा बाछड़ा जब एक लड़का चलाया है ना, तो वो एक लड़का उसमें से बोला है नहीं यार लेडीज हट जाओ करके, फिर उन लोग छोड़ के भागे हैं। तो मैं उस मिंटू को वहाँ कौन मार लड़के लोग को मैं मतलब पहचान नहीं पाती, क्योंकि मुझे अंधेरे में दिखता कम है, मैं पहचान ही नहीं हूँ लड़के लोग को। और उसके बाद जब वो मिंटू सारथी के जब लोग मार था, जब मैं इस तरीके से खड़े हुई तो उन लोग छोड़ के जब भागे हैं, तब मैं मिंटू सारथी अकेला लेडीज होके
उसको खींच के बाहर ले गई हूँ, जैसे कुछ कपड़े उपड़े खींचते उस टाइप का, मैं उसको खींच के बाहर ले गया हूँ। उतना में उसके भाई आई से, फिर उसको लेके गई से, मैं इतना देखी हूँ, इतना और मार में मार पड़े हैं वहाँ पर। मिंटू सारथी को पड़ा है, मेरे बेटे दीपक को पड़ा है जिसका कंधा नीचे खसका हुआ है, और अंकित को पड़ा है, और अभिषेक को पड़ा है। क्या चाहते हैं आप? ये हम चाहते हैं कि हमें शासन मिलना चाहिए, और जो ये सब हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए। अपना नाम बताओ। हमारा नाम बाला सिंह चौहान है। नाम बता दो।